मैं पिछले 2 हफ्तों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, वो इसलिए ताकि अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। हेलो जी, मेरा नाम है ज़ीशान और आप शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको पता चलूँ कि मेरा एक टेक का चैनल है और इस पर मैं पिछले 2 सालों से टेक रिव्यूज़ मतलब कि टेक्निकल वीडियोस बना रहा हूँ। और 2 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, क्योंकि अभी जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपको कुछ नए तरीके की मिलेंगी। भाई यूट्यूब क्या है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरा इसमें क्या रोल है आज ये जानेंगे। कुछ बड़े क्रिएटर्स का ये कहना है कि भाई कैमरा को अपना दोस्त समझो, और पिछले 2 सालों से मेरा और कैमरा का इंटरेक्शन कुछ ऐसा है कि जैसे कोई पुराना दोस्त हो। मैंने भी यही सब किया और मुझे 2 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि थोड़ी गहरी बात करने जा रहे हैं हम। भाई वीडियो का टाइटल है 0 to 1000 सब्सक्राइबर, और ये एक स्टार्टिंग का ऐसा सफ़र होता है जिसको तय करने में बहुत सारे लोग हार मान लेते। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे दिमाग में 2 ही सवाल आते थे, एक कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और दूसरा कभी ना कभी तो होगा। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जो होते हैं टाइप 1 वाले, मतलब कि मुझसे नहीं होगा। और जो लोग जिनका शौक होता है, जिनका क्रेज़ होता है कि यार यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करना है और फेमस होना है, वो होते हैं टाइप 2 वाले, मतलब कि कभी ना कभी तो होगा। और मैं था भाई टाइप 2 का बंदा, बताता हूँ कैसे। 2 साल एक ऐसा अरसा है जिसमें लोग 1 मिलियन तक जाते हैं, लेकिन मेरे अभी तक 1 के हुए, फिर भी मैं लगा रहा। अगर टाइप 1 वाला होता तो कब का भाग गया होता। 0 से लेकर 1 के तक मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो कैसे कैसे लोग मिले बताता हूँ। मैं जो सोसाइटी में रहता था वहाँ पर सिर्फ एक ही यूट्यूबर था, और वो था मैं। लेकिन कुछ अरसे तक शायद इस बात का पता मुझे ही था, अब तो शायद सभी मेरी वीडियोस देखते हैं। जिन लोगों में जज्बा होता है ना कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ करना है, तो वो अपनी पुरानी यादें संभाल के रखते हैं, ये सोच के कि अगर कभी हमारा वक्त बदलेगा तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें एक एहसास होगा कि हमने किन किन हालातों में मेहनत की और हार्ड वर्किंग नहीं छोड़ी। और हमने भी कुछ चीज़ें संभाल के रखी, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पहले कहाँ पर शूट करता था और कैसे करता था, और अभी कहाँ पर कर रहा हूँ और अभी कहाँ पर शूट करूँगा, तो ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो जी मतलब ये है मेरा सेटअप, आप देख सकते हो कितना मतलब साफ़ सुथरा है, ठीक है ना। अभी जैसे था मैंने वैसे आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ, कुछ भी मैंने इसे साफ़ वगैरह नहीं किया। तो देखो जब भी मैं जितना भी चाहे इनको बोलूँ पर इनके बात समझ में नहीं आती, हमेशा से मैं इनको कहता रहता हूँ कि मेरा जो ये सेटअप है प्लीज़ इसको खाली रख दीजिए। तो अभी देखो यहाँ पर ये स्त्री पड़ी है, कहाँ पर कोई कैंची वगैरह पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, पर अभी ये जो ना ये धोबी घाट और क्या लॉन्ड्री हो गई, उसके अलावा कोई टेलर हो गया, सारी चीज़ें मेरी अलमदरा इस टेबल पे हो जाती है आलमन में, ठीक है। अभी जो मेरी वीडियो शूट होती है वो यहाँ पर इस जगह पे ऐसे ट्रैपॉड लग जाता है, तो यहाँ पर जो है मेरी जो भी वीडियो वगैरह सामने यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ, कुछ मेरी वीडियो थी जो ऊपर वाले रूम में थी, तो यहाँ पर सुनिए यार बात ये है कि एक ही रूम है हमारे पास, एक ही रूम में मुझे सब चीज़ करनी है। ये कि मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मतलब यार अभी तक हमारे पास सेटअप नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, चलो ये बात आगे चल के मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो सोच रहा हूँ मैं ये जगह, ये आप देख लो ये वाली जगह, ठीक है। इस जगह पे मैं सोच रहा हूँ वॉलपेपर लगा दूँ, तो यहाँ पर भी शूट होंगे इस जगह पे, ठीक है। मेरा लैपटॉप पड़ा है जो बुरी तरीके से जल चुका है, तो यहाँ पर बैठा हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर आगे की तरफ खिसका देता हूँ, तो यहाँ पर बैठ के जो है मैं कुछ वीडियो अपनी शूट कर लेता हूँ। तो फाइनली यार देखो लगा दिए मतलब ये, तो यार देखो मतलब पीछे का व्यू ये आ रहा है, ये तो मतलब अभी यहाँ पर फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ, तो कुर्सी रखूंगा, कुर्सी में रखने के बाद ऐसे बैठ जाऊंगा, कैमरा थोड़ा नीचे होगा। अच्छा एक और बात मैं आपको पता चलूँ कि वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अराउंड मेरे 200 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये पोस्ट तब करूंगा जब मेरे 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे, तभी मतलब 1K सब्सक्राइब के बाद कोई मतलब मोटिवेशनल वीडियो तो बनती है। तो फिलहाल ये शूट कर रहा हूँ, देखो मतलब कैसे मेहनत कर रहा है आपका भाई, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ शूट कर रहा है। लेकिन अच्छा यार अभी ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि अभी जो है इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मेरी कामयाबी बहुत ही करीब है आने वाले दौर में या आने वाले दिनों में, क्या पता मुझे इन चीज़ों की याद आए और आपसे शेयर करने का कभी दिल करे, मतलब आपको अगर मोटिवेट करना हो तो मतलब। एक और मैं आपको बात पता चलूं कि मतलब मेरे जो चैनल है ना इसको अराउंड 1 साल हो चुका है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं था अगर मेरे आईडी पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे और मेरे से नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात मतलब अगर किसी कोई भी अगर ये सोच रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो उसके सामने जीती जाती मिसाल मैं हूँ। मतलब कैमरा के सामने आने से इतना 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 घबराता था, तो मतलब
जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर फिलहाल तो पीछे ट्राइपॉड ये कुर्सी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर ना करने से करना बेहतर है। अगर हो गया तुमसे तो एक बार दो बार तीन बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखो ना फुल सेटअप, मतलब फुल बात करने का तरीका तो ये है कि मतलब मैं आपको सेटअप दिखाता चलूँ। मतलब ये तो फिलहाल मेरा रूम नहीं है, ऊपर का रूम है ये फिलहाल। तो ये मतलब कि ये वीडियो में ये जो अभी बना रहा हूँ ना ये 1000 सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मतलब अभी से जो जो मेरी वीडियो देख रहा है उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, मतलब एडवांस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है ना तो उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है, और मैं भी उनमें से एक था। मुझे जिस चीज़ की कमी थी वो थी एक रूम की, क्योंकि हम फैमिली के 4 मेंबर थे और वो चारों एक ही रूम में रहते थे। जब मेरे पास एक रूम हुआ करता था तब डेली की वीडियोस आती थी, अब मेरे पास 6 रूम हैं और हफ्तों तक कोई वीडियो नहीं। ये जी कहानी कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये कहानी है सन 2018 की, जब मैंने अपना YouTube करियर स्टार्ट किया था। शुरुआत में तो मेरा गोल सिर्फ पैसे ही कमाना था, लेकिन जब कुछ हासिल ना हुआ तो मैंने लीव करने का सोचा। तब मेरी नज़र कुछ सक्सेसफुल यूट्यूबर्स पर पड़ी और उन सबका यही कहना था कि भाई अगर पैसों के लिए करेगा ना तो कभी नहीं कर पाएगा। तो मैंने अपनी 2 कौड़ी की सोच दौड़ाई और ये ठान लिया कि अगर YouTube पे कामयाब होना है ना तो इसको अपना पैशन बनाओ। फिर मैंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे 50 वीडियोस कैसे भी करके अपलोड करनी है, लेकिन उसके बदले में मुझे 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैं 90 वीडियोस अपलोड कर चुका था लेकिन फिर भी मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 400 थे। तो मुझसे एक YouTube ने सवाल किया कि अगर तुम YouTube के लिए बने हो तो तुम्हें ये करना होगा, मतलब कि 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम। वक्त बीतता गया और मैं ऐसे ही वीडियोस पे वीडियोस बनाता गया। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 1K सब्सक्राइबर्स, और उस वक्त मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि जिस दिन मेरे 1K पूरे होंगे तो मैं सबको पार्टी दूंगा, और जिस दिन मेरे 1K पूरे हुए मैं अपने दोस्त अपनी फैमिली से दूर कुछ नए लोगों में था, मतलब कि नए दोस्तों में, और वो भी उतना ही खुश थे जितना शायद मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे दोस्त होते। पार्टी तो दूंगा सबको, बस आने दो यारों। चलिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी, थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि इस दौरान मुझे क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे लोग मिले, क्या क्या फेस करने को मिला। चलिए थोड़ा इस बारे में बात करते हैं। मेरे पास 2 टाइप की ऑडियंस है, एक रियल लाइफ वाली और एक आप लोग। टाइप नंबर 1 मेरी रियल लाइफ ऑडियंस, जिनसे मुझे हर वक्त यही सुनने को मिलता था, क्या यार ये कैसी वीडियोस बनाता है, कोई ढंग का तो काम किया कर यार, तेरी वीडियोस हमारी समझ से बाहर हैं। यहाँ तक कि मेरे जो खास दोस्त थे वो तक मेरी वीडियोस नहीं देखते थे। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उनकी सोच के मुताबिक चलूँ जिनको मेरी किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं, या तो फिर उनके मुताबिक चलूँ, मतलब कि आप लोग जो मेरी हर आने वाली वीडियो का वेट करते हैं। फिर मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ा और आप लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो। मैं जो खुशी चाहता था वो मुझे आप लोगों से मिली, मतलब कि इतना प्यार इतना सपोर्ट। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने जो रास्ता चुना वो गलत नहीं था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो फेमस क्रिएटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कैमरा को अपना दोस्त समझो, और पिछले 2 सालों से मैं यही करता आ रहा हूँ, कैमरा को अपना दोस्त समझ रहा हूँ, लेकिन कैसा दोस्त, जो कि पुराना दोस्त हो। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा समझ आओगे, जिस बातों को समझ आओगे। मैं पहले ये क्या करता था कि कैमरा उठाओ और कुछ भी अपलोड कर दो। अब आप सोचें कि कोई बंदा कमेंट करता है कुछ भी, सोचो कितना बुरा लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि आज के बाद ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ कि हर वीडियो के नीचे एक कमेंट हो, कमाल ऑसम अमेजिंग, मतलब कि ऐसी वीडियोस आनी चाहिए। और पिछले 2 सालों से मैं जब भी कैमरा के सामने आता था तो चवलियाँ मारता था। मैं वाकई में कैमरा को एक ऐसा दोस्त समझ बैठा था जैसे कि पुराना दोस्त हो, लेकिन मुझे अभी एक नया दोस्त चाहिए, मतलब कि जिससे हर मुलाकात एक नई मुलाकात हो। आज से पहले जो भी वीडियोस थी उनमें यह सीन था कि मैं ऐसा पेश आता था मतलब कि जैसे कि कोई पुराना दोस्त हो, लेकिन मुझे एक नया दोस्त चाहिए। और हर वीडियो में आपको ऐसा लगे कि इस बंदे के साथ हमारी पहली मुलाकात है, और मुझे पता है आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए। आज से पहले जो भी बना सब भूल जाइए। फिलहाल इतना ही।